बिना इजाजत के हरे भरे पेड़ काट कर बेचे जा रहे हैं। पैसे के लालच में अंधे लोग पर्यावरण और हरियाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में वन अमले ने एक लकड़ी की टाल पर छापा मार के टाल संचालक पर कार्रवाई की है। अमरपाटन के सतना रोड पर सुभाष जैन की लकड़ी की टाल में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां बिना अनुमति हरे वृक्ष की लकड़ी काटकर बेचने लाई गई थी और बिना अनुमति बिक्री पत्रक के टाल संचालक द्वारा इस लकड़ी को खरीद भी लिया गया था। जब्त लकड़ी की नाप व मात्रा वन विभाग द्वारा चेक की गई और फिर उस जब्त लकड़ी को टाल संचालक के सुपुर्द किया गया। वन विभाग के रेंजर रंजन सिंह परियार की माने तो लंबे समय से मनमानी तरीके से बिना वन विभाग की जानकारी दिए हरे भरे पेड़ खरीदकर टाल संचालक द्वारा कटर से काट कर ठिकाने लगाए जा रहे हैं। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली वैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध लकड़ी को छापेमारी करके जब्त कर लिया। फिलहाल पंचनामा बनाकर कार्रवाई की जा रही है और लकड़ी को टाल संचालक के सुपुर्द किया गया है। साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं होगी लकड़ी को सुरक्षित रखने के निर्देश वन अधिकारियों ने टाल संचालक को दिए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।